Grace. वैसे
खाने के सारे पागल मुझे से तो प्यार करते हैं। बालों में लगाना है? लगा दो। अरे डरो मत फालतू, लगा दो। लगाना है ना? लगाओ। ठीक है, मैं खुद लगा लूंगी, रहने दो। देखो अब इनसे मिली अच्छे खासे IAS ऑफिसर हुआ करते, लेकिन साहित्यकार बनने का शौक चला है। बन गए साहित्यकार, अब इन्हें कौन रोक सकता था? IAS ऑफिसर जो ठहरे। वैसे आपको एक बात बताऊं, अगर आप IAS ऑफिसर हो तो आप प्रदेश के सबसे बड़े कवि बन सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी इनकी महत्वाकांक्षा नहीं रुकी और इन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पंगा ले लिया। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में आनंद फानंद सफलता के लिए सूर्य त्रांडव करने लगे और पगला। वैसे इनकी एक विशेषता भी है, ये औरतों की तरह व्यवहार करते हैं। ए, चल, हट। अब इनसे मिली, ये हमारे पागल खाने के हीरो पागल। गांव में कुछ लोगों ने इनको कह दिया कि भाई तुम आमिर खान लगते हो, तो कुछ ने कह दिया अमिताभ बच्चन। बस फिर क्या था, चले आए मुंबई हीरो बन। और जब डायरेक्टरों के पास भाग भाग कर 10 जोड़ी, जी हाँ पूरे 10 जोड़ी PVC सोल की जोड़ी घिस गए, तो मानसिक संतुलन खो गए और पगला। जैसे अभी अभी सरकार द्वारा फिल्मी दुनिया को उद्योग का दर्जा मिलने पर इनका मन बल्लियों से उछल रहा है। और तो और ये खुद को उद्योगपति भी समझने लगे हैं। चल चल चल। अब इन्हें देखो, पूरे टाइम ऐसे 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 करते रहते, खुद को बड़े नेता जो समझते हैं। अब इनके बारे में क्या ही बताऊं आपको, अच्छे खासे संपन्न किसान हुआ करते, लेकिन इनके किसी केडर मित्र ने इन्हें राष्ट्रभक्ति, जनसेवा और पार्टी लाइन के उच्च महत्वाकांक्षाओं के सपने क्या दिखाए, ये अभिभूत हो गए। इन्होंने अपनी तमाम जमीन जायदाद बेच बेच कर पार्टी का जनाधार बना। और जब पार्टी का जनाधार बन गया और जीत के सती आई, तो कुछ पैसे वालों ने इनकी टिकट हटा ली। और इस आदमी को ये देशभक्त बर्दाश्त न कर सका और पगला गया। ऐसे ये डायरेक्ट मंत्री की तरह व्यवहार करते हैं। और करे भी क्यों ना भाई, इनकी पार्टी की सरकार जो है देश में। ये हमारे पागल खाने का सबसे गरीब पागल। वैसे तो MA गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन जाति से मछुआरा है। संविधान के आरक्षण नीति के तहत ये जाति किन्हीं प्रांतों में आरक्षित है, तो किन्हीं प्रांतों में इसे पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है। चूंकि इस प्रांत में मछुआरे आरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी भरपूर कोशिश थी कि किसी तरीके से आरक्षण का लाभ मिल जाए, मगर हो ना सका। बेचारे अपने दूसरे
प्रांतों के अल्प शिक्षित रिश्तेदारों को ऐश करता देख नौकरी खोजता रहा हार करता रहा और पगला। वैसे इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये किसी के भी शादी के बैंड बाजे की आवाज सुनकर नाचना जरूर है, और अगर बैंड बाजे की आवाज बंद हो जाए तो ये बेचारा उदास हो जाए। लगता है पागल खाने के बगल से बारात गुजर रही है। अब देखिए इसका नाच, हर बैंड तो चलिए दूसरे कमरों की सफाई करने बहुत सारा काम। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिल का की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। Superb.